गाइस, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 6 ऐसी आसान से टिप्स जो आपकी PCOS को, PCOD को और इरेगुलर पीरियड्स को, या आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपकी ओवरी में सिस्ट भी हो चुकी है, तो वो सब ठीक हो जाएगी। ट्रस्ट मी, 101% मैं आपको इस वीडियो में गारंटी देती हूँ कि लगातार अगर आप इन 6 टिप्स को 2 महीना फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बाहर के डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। लेकिन आपने इस वीडियो में बताई गई हर चीज को बहुत ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। आप लोगों का बहुत ज्यादा मुझे ईमेल आ रहा था कि आपकी ये प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत डिले हो गया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज फाइनली ये वीडियो आपके सामने है, तो उसको जमकर शेयर करना ताकि आपके जानने वालों के अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली वो ये ट्रीटमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सके। क्योंकि हम गर्ल्स के साथ बड़ा ज़्यादा इश्यू होता है कि हमें बड़ी ज़्यादा हेजिटेशन आती है कि हम किससे डिस्कस करें, गायने के पास जाएं या ना जाएं, वो कितना चार्ज लेगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे बैठे सिर्फ थोड़े से स्पेस में अपनी इन प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है वो बेहतरीन सी टिप्स। सबसे पहले, किसी भी चीज का सलूशन जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम हमारे पास किस रास्ते से आई है, उस रास्ते में क्या क्या चीजें थी जो हमें अपने उस रास्ते को क्लियर करना है। क्योंकि अगर मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगी तो दोबारा भी वो प्रॉब्लम्स आप तक पहुंच सकती है, जो मैं दिल से नहीं चाहती हूं। तो सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, अपनी डाइट का। आपने ये 2 महीना बिल्कुल भी बाहर का डब्बा बंद, पैकेट बंद, टेट्रा पैक्स कुछ भी इनटेक नहीं करना, क्योंकि वो फूड नहीं होते, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को पैदा करते हैं। ये मैंने डॉक्टर से बात करी है, गायनिक से कंसर्न करा है, देन उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वीडियो में कही जाने वाली सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, आपने कोई भी बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इनफैक्ट अगर कोई टेट्रा पैक दूध अगर आप पी रहे हैं तो वो भी आपने नहीं लेना, जो बॉटल्स वाले आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो आपको बिल्कुल भी 2 महीना इनटेक नहीं करना। ये 2 महीना आपको सिर्फ घर का फूड इंटेक करना है। अगर आप ये चीजें नहीं छोड़ सकते तो बिल्कुल आप अभी वीडियो मेरा स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो कोई भी इस चैनल पर देख सकते हैं। ये 2 महीना आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आपको घर का खाना खाना है। जब भी भूख लगे, आप कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी करें, फ्रूट कैरी करें, या फिर आप भुने हुए चने कैरी कर सकते हैं, मखाने कैरी कर सकते हैं, कुछ भी चीज कैरी करें, लेकिन बाहर का आपने नींबू पानी तक नहीं पीना है, घर का ही नींबू पानी पीना है, घर की हर चीज पीनी है आपने, इसका ध्यान रखेगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो करनी है रेगुलर 2 महीना, वो है आपने सुबह उठकर 1 चम्मच खाली पेट देसी घी खाना है। अगर हम ये चीज इनटेक करते हैं तो आयुर्वेद में भी पाया गया है कि आपके जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बैलेंस कर देता है। हो सके तो गाय का जो देसी घी है उसका 1 चम्मच आपने खाली पेट रोज इनटेक करके ही अपना रूटीन स्टार्ट करना है। इसके बाद बारी आ जाती है हेल्दी मील की। आपने हेल्दी मील में रोजाना जब भी आप अपना लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, डिनर में तो हम बहुत हल्का लेंगे, लंच की बात कर लेते हैं, तो आपने प्लेट को, जैसे अगर आपका प्लेट का साइज ये है तो 1/4 प्लेट को आपने भरना है सैलेड से, फिर आपने भरना है अच्छी बड़ी कटोरी दाल से, देन उसके बाद रोटी। तो सबसे पहले आपने अपना सैलेड फिनिश करना है, फिर दाल और रोटी खानी है, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा जो क्रैविंग होगी वो भी कंट्रोल होगी और आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होगी। इन 2 महीना आपने अपनी डाइट में ग्रीन वेजीज को, फ्रूट्स को, सैलड्स को और ड्राई फ्रूट को जरूर इनटेक करना ही करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप महंगे महंगे फ्रूट्स खाओ, लेकिन जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है जो भी सीजनेबल फ्रूट है वो आपको जरूर इनटेक करना है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 क्या है, आपने फर्मेंटेड फूड्स खाने हैं, ठीक है, जैसे अंकुरित दालें हो गई, दही हो गया, इडली हो गई, डोसा हो गया, जितने भी फर्मेंटेड फूड्स होते हैं वो आपके जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं। टिप नंबर 3 है कि अगर आप इरेगुलर पीरियड्स को या अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपने एक अच्छी नींद लेनी है। नींद अगर आप अच्छे से लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत एक्टिव हो जाती है, पूरा दिन सुस्ती फील नहीं करेंगे। और ये मैंने रिसर्च में भी पाया कि अगर अच्छे से जो लोग सोते हैं, स्पेशली गर्ल्स, उनको कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, उनका माइंड रिलैक्स रहता है। तो अपना एक रूटीन बनाए कि मैक्सिमम रात को 9 से 10 के बीच में सो जाएं और सुबह अपने टाइम से 5 से 6 के बीच में उठ जाएं सूरज उगने से पहले, और जरूर सूरज की किरणों को थोड़ी देर उनके साथ 15 या 20 मिनट के लिए उनके साथ अपने आप को कॉन्टैक्ट में रखें, जिससे कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से बैलेंस रहेगी, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप के बारे में जो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं, जिससे कि 101% गारंटी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी।
इसके लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे योगासन जो आपके विद इन 2 मंथ्स अगर आप इसको 20 मिनट देते हैं ना सिर्फ अपनी बॉडी को रोजाना के 20 मिनट तो मैं गारंटी देती हूँ सवाल ही नहीं उठता कि आपको मार्केट में मिलने वाले या डॉक्टर से कोई भी ट्रीटमेंट लेना पड़े एटलीस्ट आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए PCOS के लिए PCOD के लिए किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपकी ओवरी में बहुत ज्यादा बड़ा सिस्ट भी हो गया है गांठ भी हो गई है तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी। ट्रस्ट करना, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, पॉजिटिव सोचना और आज से मेरे योगासन और इन सारी टिप्स को फॉलो करके देखना। तो चलिए बारी आती है लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप की जो है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है योगासन। आज आपसे मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे योगासन जो आपके इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली 101% खत्म कर देंगे। रोजाना के सिर्फ 20 मिनट आप अपनी बॉडी को दें लगातार 2 महीना और फिर देखें इतना बेहतरीन रिजल्ट आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आसन करने के लिए हमें अपने एक मैट की जरूरत है और कंफर्टेबल क्लोथ्स या पहन लीजिए। उसके बाद हाथों को इस तरीके से आप प्लेस कर लीजिए और छाती के बल नीचे लेट जाइए। हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले जाते हुए हमारी यहाँ पे होती है पेल्विक मसल जिस पे हमें प्रेशराइज देना है सारे योगासन में, जिससे हमारी पीरियड्स और हार्मोनल जो इम्बैलेंस चल रहे हैं वो रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए अपनी एल्बो को पूरा सीधा कर लीजिए। अपनी पेल्विक मसल को आपने मैट से हटा कर रखना है, अपनी नेवल और अपने मैट के बीच में गैप मेंटेन करना है। इस तरीके से हेड को जितना हो सके उतना पीछे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करिए। देन रिलैक्स। कम से कम आपको उसको 3 से 4 बार रिपीट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की तरफ। इसके लिए आपको छाती के बल लेट जाना है, अपने पैरों की एंकल्स को इस तरीके से होल्ड करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। 10 सेकंड्स होल्ड करना है आपको, देन रिलैक्स करना है। इसको कम से कम आपको 3 से 4 बार रिपीट करना है। मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। अगले योगासन के लिए आपने क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से, पैरों के जो पंजे होते हैं इस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। सेम यही पोजीशन में आपको बैठना है, अपनी लेग्स को इस तरीके से वाइड करके अपनी बैक को स्ट्रेट करना है। अपने हाथों से आपने अपने पंजों को होल्ड करते हुए आपने बटरफ्लाई की तरह अपनी लेग्स को मूव करना है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आपके पेल्विक मसल पे प्रेशराइज करता है और वहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट अगर सिस्ट भी है तो वो भी दूर हो जाती है। आपको कम से कम इसको 20 बार रिपीट करना है। नेक्स्ट योगासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपने इस तरीके से अपनी लेग्स को वाइड करते हुए थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है दोनों के बीच में। देन उसके बाद अपने पैरों को बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। अपने हाथों को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए अपने AD को होल्ड करना है। अपने हिप को अंदर प्रेस करते हुए, अपने पेट को अंदर टक करते हुए इस तरीके से आपने अपनी नेक को पीछे फोल्ड करना है। 10 सेकंड होल्ड रखिए। अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए अपने पैरों की AD को होल्ड कर लीजिए और 10 सेकंड के लिए इस पोजीशन में रहिए। नॉर्मल ब्रीथ आपको लेना है, देन रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट योगासन के लिए आपको इस तरीके से अपने पंजों को मैट पे प्लेस करना है, अपनी लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए आपको अपने हाथों को आगे ले जाते हुए इस तरीके से हाई हैंड ज्वाइन करना है। देन उसके बाद अपनी बॉडी को इस तरीके से बेंड करते हुए दोबारा से हमें आगे आना है। इसमें अपने हिप को हमें अंदर स्क्वीज करना है, टमी को अंदर टक करना है, लेकिन मेक श्योर कि आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपने अपने हिप को ड्रॉप नहीं करना है, आपने ऊपर ही इतना लिफ्ट करके रखना है। देन ऐसे
अगेन, ठीक है। अब इसको हम करेंगे ब्रीथिंग के साथ। तो ब्रीथिंग के साथ करने के लिए आपने इनहेल करना है नीचे जाते टाइम, और ऊपर आते टाइम आपने ब्रीथ एक्सहेल करना है, यानी सांस छोड़ना है। तो पहले सांस लेंगे, इस तरीके से कम आपने इसको 15 से 20 बार रिपीट करना है। तो यहाँ पर गाइस ख़त्म होते हैं हमारे कंप्लीट सारी टिप्स और विद योगासन। तो अगर आप इसको लगातार 2 मंथ्स तक करेंगे तो डेफिनेटली आप बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी डॉक्टर के, अपने आप को खुद अपनी बॉडी को क्योर कर लेंगे। तो अपना ध्यान रखें, खुश रहें, ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाते हैं कमेंट करके लिखें, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, IISHAMEHRA मेरा अकाउंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।